हम सच को कई सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं। आज हम ये तीन तरीके देखेंगे, हम तीन वेज देखेंगे जिससे हम सच को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो है सच को सिंपली हम कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन सच वे को हम कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सच एज को हम कैसे प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक करें ताकि ये वीडियो और बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि सच का क्या मीनिंग होता है। सच का मीनिंग होता है ऐसा या ऐसे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि यार मैंने ऐसी सर्दी पहले कभी नहीं देखी, या आप कह सकते हैं मैंने ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी, ऐसा या ऐसी। या आप ये बोल सकते हैं कि ऐसी गर्मी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तो ऐसे का मीनिंग क्या होता है सच। सेंटेंसेस बना के देखते हैं। आई हैव नेवर हर्ड सच स्टोरीज। आई हैव नेवर हर्ड सच स्टोरीज। मैंने ऐसी स्टोरीज कभी नहीं सुनी। आई हैव नेवर, मैंने ऐसी स्टोरी हर्ड मीनिंग हियर का थर्ड फॉर्म है हर्ड। आई हैव नेवर हर्ड सच स्टोरीज, मैंने ऐसी स्टोरीज कभी नहीं सुनी। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। ही डज नॉट लाइक सच पीपल, उसे ऐसे पीपल ऐसे लोग पसंद नहीं आते, या वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। सच मीनिंग, सच मीन्स ऐसा या ऐसे। अगर आपको टेंसेस नहीं आती, उस पर हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और एक सिंपल वीडियो भी बना रखी है सक्सिंक्ट फॉर्म में, समरी फॉर्म में, वो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। तो सबसे पहले तो हमारा ये हो गया कि सच को हम सिंपली कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका मीनिंग है, अगर हमने किसी चीज़ को ये बताना है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो भी हम सच को यूज़ कर सकते हैं। यूज टू एम्फसाइज द ग्रेट डिग्री ऑफ समथिंग। अगर हमने किसी चीज़ की डिग्री को बताना है कि कोई चीज़ डिग्री में या मात्रा में बहुत ज़्यादा है तो भी हम सच को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज सच ब्यूटीफुल होम, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल होम, ये बहुत सुंदर होम है, ये बहुत सुंदर घर है। सच अ, हमने सच लगा दिया है। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल होम, मतलब ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल होम है। हम ए को साथ में लगा भी सकते हैं, कई कंडीशंस में कई बार नहीं भी लगा सकते हैं। अगर उसके बाद एक काउंटेबल नाउन है, जैसे कि होम एक काउंटेबल नाउन है, तो हम ए को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम ए को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है दिस टूर हैज बीन सच ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ये टूर एक बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहा है। दिस टूर हैज बीन सच अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, इट मीन्स के ये टूर है बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा है। तो सच, जैसे आपने कहना है कि यार तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो आप कह सकते हो यू आर सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर सच एन इंटेलिजेंट पर्सन। अगर आपने बोलना है कि यार ये रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये रास्ता बहुत लंबा है, तो आप बोलेंगे दिस इज सच अ लॉन्ग पाथ, या दिस इज सच अ लॉन्ग रोड। तो हमने सिंपली देख लिया है कि सच को कैसे यूज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन सच अ वे को हम कैसे यूज कर सकते हैं। इन सच वे का मीनिंग होता है इस तरह से, जैसे शी पेंटेड द पिक्चर इन सच वे, उसने पिक्चर पेंट की इन सच वे, इस तरीके से या ऐसे तरीके से। शी पेंटेड द पिक्चर, उसने पिक्चर पेंट की इस तरीके से या इस तरह से, दैट एवरी वन गोट मैसमराइज, के हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। मतलब उस पिक्चर को देख के हर एक बंदा जिसने भी वो पिक्चर देखी वो मंत्रमुग्ध हो गया, मतलब दैट पर्सन गॉट कम्प्लीटली एनग्रोस्ड विद दैट। शी पेंटेड द पिक्चर इन सच वे, उसने पिक्चर ऐसे तरीके से पेंट की कि हर एक बंदा मंत्रमुग्ध हो गया। या आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो कि यार, जैसे नॉर्मली आप बोल देते हो कि उसने इस तरीके से पेपर किया कि उसके 100 के 100 नंबर ही आए, तो इस सेंस में हम इन सच वे का यूज कर सकते हैं। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक इन सच वे दैट इवन द स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स कुड अंडरस्टैंड। टीचर ने इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया, टॉपिक को समझाया, एक्सप्लेन किया कि इवन द स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स, जो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, जिसको समझ नहीं आ रहा था, जो संघर्ष कर रहे थे समझने में, वो भी समझ सकते थे। इवन द स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स कुड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट यूज देख लेते हैं सच एज। हम सच एज को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सच एज का यूज होता है जैसे कि, या फॉर एग्जाम्पल कहने के लिए आप सच एज को यूज कर सकते हैं। किड्स इंजॉय
आउटडोर एक्टिविटीज सच एज हाइकिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग। किड्स है, जो बच्चे हैं वो इंजॉय करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज, जो बाहर जाके हम एक्टिविटी, घर से बाहर जाके एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें हम आउटडोर एक्टिविटीज कहते हैं। सच एज, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि, उसके बाद एक्टिविटीज को बताया उसने कि कौन सी एक्टिविटीज, जैसे कि हाइकिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू नीड टू ब्रिंग आइटम्स, तुम्हें आइटम्स ले आने की जरूरत है। सच एज, जैसे कि, फॉर एग्जाम्पल, पेन, पेपर, मार्कर टू द मीटिंग। सच एज का मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पेन, पेपर एंड मार्कर्स टू द मीटिंग। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि सच का मीनिंग क्या होता है, ऐसा, जैसे कि आई हैव नेवर सीन सच पीपल इन माई लाइफ, मैंने ऐसे लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। उसके बाद अगर हमने एम्फसाइज करना हो, एम्फसाइज मीनिंग किसी चीज़ में जोर देना है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो भी हम सच का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यू आर सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, यू आर सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, तुम बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो। नेक्स्ट हमने देखा कि इन सच ए वे का मीनिंग क्या होता है, इन सच ए वे का मीनिंग होता है इस तरीके से, जैसे कि ही टॉट मी इन सच वे दैट आई कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, उसने मुझे इस तरीके से पढ़ाया कि मुझे सब कुछ समझ आ गया। नेक्स्ट है सच एज, सच एज का मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किड्स इंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज सच एज हाइकिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग। जैसे कि किड्स को बाहर वाली एक्टिविटीज पसंद होती है, जैसे कि हाइकिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग। आई होप आपको आज अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हम सच, इन सच वे एंड सच एज को कैसे प्रॉपरली एंड इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर द वीडियो विद एज मैनी पीपल एज यू कैन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।